गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक आवर ऑनलाइन क्लासेस। सो लेट्स स्टार्ट क्लास फर्स्ट एंड चैप्टर फोर। क्लास फर्स्ट और चैप्टर फोर की जो आज हम लोग मोरल साइंस है उसको रीड करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग आज हमारे लेसन का क्या नाम है। हम लोग मोरल साइंस रीड करेंगे। हमारे लेसन का नेम है माई मदर। माई मदर हमारे लेसन का क्या नाम है? माय मदर। ओके, चलिए लेट्स रीड द स्टोरी। एलेक्स वाज अ वेरी हार्ड वर्किंग बॉय। जो एलेक्स नाम का एक लड़का रहता है, एक बॉय रहता है, वो बहुत मेहनती रहता है। ओके, ही वाज अ फर्स्ट स्टैंडर्ड। वह फर्स्ट क्लास पे पढ़ता है, क्लास वन में। जैसे आप लोग क्लास वन में हो ना, वैसे वो भी जो छोटा सा बॉय था, जो लड़का था, वो क्लास फर्स्ट में पढ़ता था। ही लव्ड हिज मदर वेरी मच। वो अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता था। हिज मदर वर्कड वेरी हार्ड एट द ऑफिस। उनकी जो मम्मी थी, जो मदर थी, वह किसी ऑफिस में बहुत हार्ड वर्क करती थी। वो काम करती थी, बहुत मेहनत का काम करती थी। One evening, Alex decided to make her a sandwich. It was simple. मतलब Alex ने एक दिन शाम को decide किया कि मैं अपनी मम्मी के लिए sandwich बनाऊँगा। क्या बनाऊँगा? Sandwich बनाऊँगा। और वो जो sandwich था बहुत ही simple था। Okay? Sandwich, just bread. टोस्टेड विथ सम चीज़। वो जो सैंडविच जो बना रहा था उसमें बहुत ज़्यादा उसने कुछ नहीं डाला, बहुत सिंपल सा था, जिसमें उसने कुछ चीज़ ब्रेड को टोस्ट किया एंड सम चीज़ डाला, उसमें कुछ चीज़ डाल दिए। ही केप्ट द सैंडविच इन द रेफ्रिजरेटर। उसने उस सैंडविच को रख दिया, रेफ्रिजरेटर में रख दिया, ठीक है, होने बनने के लिए। फिर वेन हिज मदर कम होम सी लुक वेरी टायर्ड एंड हंग्री एट हर डेज हार्ड वर्क एट द ऑफिस। जैसे ही उसकी मम्मी ऑफिस से आई, वो बहुत थकी हुई थी और बहुत भूखी भी थी, क्योंकि ऑफिस में उन्हें बहुत मेहनत का काम करना पड़ता था। ओके, ही वेंट इनटू द किचन एंड कम विथ अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर हर। ही जो एलेक्स था वो गया किचन में और एक ग्लास पानी के साथ किचन से बाहर आया, जो कि वो अपनी मम्मी के लिए लेके आया था। ओके, हर लेटर ऑन व्हेन हिज मदर वेंट इनटू द किचन टू कुक समथिंग सी सा अ सैंडविच इन अ रेफ्रिजरेटर। जैसे ही वो पानी पी ली, उनकी मम्मी पानी पी के जैसे ही वो किचन में गई, उन्होंने सोचा कि कुछ खाने के लिए बना लूँ। उन्होंने देखा कि सैंडविच जो है वो रखा हुआ है, उसमें सैंडविच रखा हुआ है जो रेफ्रिजरेटर था। ऑन सीइंग हर ब्यूटीफुल जिस्टर, एलेक्स मदर हैड टीयर्स ऑफ डिलाइट इज आइज। मतलब जैसे कि उन्होंने देखा कि एक सैंडविच रखा और अपने बच्चे के इशारे को ध्यान दिया, एलेक्स मदर हैड टीयर्स ऑफ डिलाइट्स इन आइज, मतलब उनके आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे की जो चेहरे की खुशी देखी थी कि उनके बच्चे ने उनके लिए सैंडविच बनाया है। ओके, एलेक्स वाज हैप्पी एज कुड हेल्प हिज मदर इन सम वे। एलेक्स भी ये देख के काफ़ी खुश हुआ कि मैंने अपनी मम्मी की किसी भी तरीके से मैंने कुछ उनकी मदद की है। ओके, सो मैं इस स्टोरी को आपको बहुत शॉर्ट में ओरल ही बता दे रही हूँ कि एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम एलेक्स था। क्या नाम था? एलेक्स। उनकी मम्मी ऑफिस में बहुत ही मेहनत का काम करती थी, ऑफिस में काम करती थी, थकी हारी घर पे आती थी। तो एक दिन शाम को
एलेक्स ने ये डिसाइड किया कि मैं अपनी मम्मी के लिए सैंडविच बनाऊंगा। और जो सैंडविच बनाना था उनको, वो बहुत ही सिंपल सा था, बहुत ज़्यादा उन्होंने बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स या फिर कुछ उसमें नहीं डाले, उसमें बस सिंपल सा कुछ चीज़ डाल दिया और टोस्ट कर दिया उसको बस। उसके बाद उन्होंने उस सैंडविच को रेफ्रिजरेटर में, मतलब फ्रिज में रख दिया, बना के फ्रिज में रख दिया। फिर उसके बाद उनकी शाम को उनकी मम्मी आती हैं, फिर वो जब देखता है कि उनकी मम्मी आ गई तो तुरंत जाता है किचन में और अपनी माँ के लिए पानी लेके आता है। फिर उनकी मम्मी पानी पी के फिर किचन में जाती हैं, सोचती हैं कि चलो कुछ बना लूँ खाने के लिए। तो जैसे ही वो किचन में देखती हैं उनको फ्रिज में रखा हुआ सैंडविच दिख जाता है। वह उनका जो लड़का था एलेक्स, वो बहुत ध्यान से देखता रहता, वो उसको इशारे को समझ जाती हैं क्योंकि स्माइल करते रहते हैं, तो इनके इशारे को समझ जाती है और खुशी के मारे जो एलेक्स की मम्मी थी उनकी आँख में आंसू आ जाता है। ये देख के एलेक्स बहुत खुश होता है कि मैंने अपनी मम्मी की किसी की भी तरीके से एक अच्छी वे में मैंने उनकी हेल्प की। ओके, सो यू शुड हेल्प योर पेरेंट्स। ओके स्टूडेंट, चलिए इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन आंसर एंड टिक द करेक्ट आंसर है, फिल इन द ब्लैंक्स भी है, उसको हम लोग करते हैं आज। एलेक्स वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग, क्या था एलेक्स, क्या था बॉय था ना, तो हमने पहले पे टिक कर दिया। ओके, एलेक्स मदर्स वर्क इन, उनकी मम्मी कहाँ काम करती थी एलेक्स की, ऑफिस में। एलेक्स ने डिसाइड किया कि वो क्या बनाएगा, वो उन्होंने बनाया कि वो सैंडविच बनाएगा। एलेक्स वेंटेड टू हिज मदर, एलेक्स अपनी मम्मी को क्या करना चाहते थे, हेल्प करना चाहता था। ठीक, फिल इन द ब्लैंक्स, एलेक्स वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग बॉय, एलेक्स वॉन्टेड टू मेक अ सैंडविच फॉर हिज मदर। मैंने फील कर दिया है इसको, जैसा कि मैंने आपको स्टोरी में भी बता दिया है। ओके, एलेक्स वॉज हैप्पी एज ही कुड हेल्प हिज मदर इन सम वे। चलिए कुछ क्वेश्चन आंसर है इसके, हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हु वॉज एलेक्स, एलेक्स कौन था, एलेक्स वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग बॉय, एलेक्स एक बहुत ही मेहनती लड़का था। हाउ डिड एलेक्स वॉन्टेड टू हिज हेल्प हिज मदर, वो अपनी मम्मी की किस प्रकार से सहायता करना चाहता था। एलेक्स वॉन्टेड टू हेल्प हिज मदर बाई मेकिंग अ सैंडविच फॉर हर, वो अपनी मम्मी के लिए सैंडविच बना के उनकी मदद की, मतलब किस तरीके से उसको अपनी मम्मी की मदद की, तो उनके लिए सैंडविच बना के उसकी मदद की। वॉट डिड एलेक्स डू वेन हिज मदर कम होम टायर्ड, उनकी मम्मी जब घर आई बहुत थकी हारी आई एलेक्स की मम्मी, तो उन्होंने क्या किया, एलेक्स कम विथ अ ग्लास ऑफ वाटर हर मदर वेन सी कम होम टायर्ड, मतलब जब उनकी मम्मी थकी हारी घर पे आई तो एलेक्स ने क्या किया, एलेक्स ने उनको किचन में जाके एक ग्लास पानी उनके लिए लाया क्योंकि उनकी मम्मी थकी हुई थी। ओके, ये हमारा क्वेश्चन आंसर कम्प्लीट हो गया है। देखिए टिक द करेक्ट आंसर, मैंने इस पर करेक्ट पे जो है वो मैंने टिक कर दिया है। नीचे राइट टू थिंग्स डू फॉर योर मदर, मतलब आप अपनी मम्मी के लिए क्या करेंगे, ये खुद से आपको फील करना है, टू राइट करने, वन टू, जैसे ये देखिए इसमें वन टू दिया हुआ है, वन टू पॉइंट है, इसमें जो भी आपको ऐड करने हो अपने माँ के लिए कि आप किस प्रकार से अपनी मम्मी की हेल्प कर सकते हैं, तो आप उसे खुद से फील करेंगे। ओके, और देखिए लास्ट जो नेक्स्ट है इसको भी डू योर सेल्फ है, ठीक है। योर पेरेंट्स लव यू, दे नो ऑल द फेवरेट थिंग्स, लेट सी द हाउ मच यू लव, आपको भी इसको अपने से ही करने हैं, ठीक है। आपके मम्मी पापा सबका जो फेवरेट फ्रूट्स वगैरह जो भी हो, जो इसमें मेंशन हो, उसको आपको इसमें राइट करना है। ओके, मैंने इस चैप्टर को आपको क्लियर कर दिया है, एक्सप्लेनेशन भी कर दिया है इसका, एक्सप्लेन भी मैंने कर दिया और एक्सरसाइज भी करवा दिया है। तो इस क्वेश्चन से और इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई अगर प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू।